डी स्टूडेंट्स नो वी आर गोइंग टू डिस्कस आई एस ओ फोर थाउजेंड वन स्टैंडर्ड आई एस ओ फोर थाउजेंड वन स्टैंडर्ड रिट्स एन अप्रोच टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन टर्न कंपनीज होजेस में इफेक्ट दिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशनवायरमेंट को इफेक्ट करता है या आउटसाइड दर्गेइजेशन एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है वहाँ पे आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन स्टैंडर्ड्स को किया जाता है अब इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाता है आई एस भी आ जाता है आई एस भी आ जाता है इनकी क्लासेस को वन बाई वन हम देखते हैं ये देखें जी फोरटीन थाउजेंड वन स्पेसिफिकेशन विद गाइडेंस फॉर फॉर यूज़ आई एस ओ फोरटी थाउजेंड फोर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जनरल गाइडलाइन आई एस ओ फोरटीन थाउजेंड टेन जनरल प्रिंसिपल्स ऑन एनवायरमेंटल ऑडिटिंग आई एस ओ फोरटीन थाउजेंड अलेवन आडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम फोटी थाउजेंड ट्वेल्व क्वालफिकेशन कर फॉर एनवायरमेंटल ऑडिटर्स के जो ऑडिटर्स होंगे अनवायरमेंटल उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगे ये जो सीरीज है ये बेसिकली आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सीरीज है जो अनवामेंट एनवायरमेंट मैनेजमेंट एनवायरमेंट ऑडिट एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरमेंट ऑडिटर क्वालिफिकेशन इनको डील करती है इनिशियल रिव्यूज एनवायरमेंटलमेंट एवेल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट गोल एंड प्रिंसिपल ऑफ आल एनवायरमेंट लेबलिंग एनवायरमेंटल लेबल्स एंड डिक्लेरेशन ये बेसिकली फोटीन थाउजेंड सीरीज़ आगे पर लॉन्ग होती है फोर्टीन थाउजेंड फोटीन से लेकर फोरटीन थाउजेंड ट्वेंटी वन तक ये मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट को डील कर रही है अगर स्पेसिफिकली आप उसके मतलब डिटेल जानना चाहते हैं तो आई एस ओ फोटीन थाउजेंड ट्वेंटी वन को अगर आप ओपन करें तो एनवायरमेंट लेबल एंड डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन वो ओपन हो जाएगी आप डिटेल एक्जामिन करें अपनी ऑर्गनाइजेशन पर इम्पलीमेंट करें और आई एस ओ के जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी टू लेबल्स आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टेस्टिंग एंड वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फोर्टीन थाउजेंड फोर्टी लाइफ साइकिल असेसमेंट प्रिंसिपल फ्रेमवर्क यही सीरीज फोर्टीन थाउजेंड से आनवर्ड मूव कर रही है और लास्ट ये बच्चे मूव करके जहाँ पहुँचती है वो फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टी तक है ये बेसिकली लाइफ असेसमेंट्स लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल वर्किंग एनवायरमेंट साइकिल टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डील करते हैं अगर लास्ट पॉइंट को देखा जाए तो उसमें ये लिखा हुआ है आई एस ओ गाइड सिक्सटी फोर गाइड फॉर द इनक्लूजन ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटलमेंट स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स आडिटर स्टैंडर्ड्स क्वालिफिकेशन इन सब चीज़ों को आई एस ओ थाउजेंड सीरीज़ डील करती है